हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि हमारी नवरात्र की तैयारी नागपुर में कहाँ तक आ चुकी है। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं चितारोली में और देखने वाले हैं कि नवरात्रि की तैयारी कहाँ तक आ चुकी है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चितारोली में तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं चितारोली माता की मूर्ति का रूप लेती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को तैयारी। तो गाइस, अभी तक तो ये माता जी को तनिष लगा के हो चुका है और ढांचा बन चुका है। ढांचा और तनिष से माता जी की मूर्ति बनाई जा चुकी है। अभी इस पे मिट्टी होंगी, फिर उसके बाद फिनिशिंग और कलरिंग होगा। तो अभी तक बेसिकली मतलब ढांचा और अभी क्योंकि बहुत दिन बाकी है, 15-20 दिन बाकी है, तो इसलिए तो कुछ ज़्यादा तैयारी करनी हो चुकी है, बनना चालू है। कुछ कुछ मूर्ति पे मिट्टी लगा के भी हो चुकी है और कुछ मूर्ति को तो तनिष से ही हो चुका है। गाइस, बेसिकली इसमें क्या होता है कि पहले ढांचा बनाया जाता है और उसके बाद वहाँ उस पर मिट्टी लगाई जाती है। तो ये भी माता जी की मूर्ति है। कुछ यहाँ तक की तैयारी आ चुकी है। ये और तनिष का काम चालू है अभी सभी मूर्तियों पे। जैसे सबसे पहले जो है तनिष लगता है, उसके बाद जो इसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप, पहले तनिष और उसके बाद मिट्टी, फिर उसके बाद शेप बताए होंगे माता की मूर्ति है, सबके ऊपर तनिष लगा हुआ है। तो उसके बाद जो है अभी इनके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी लग रही है, देख सकते हो यहाँ पर, तो सभी पर जो है इसके बाद मिट्टी लग रही है, अभी मिट्टी लगना चालू है यहाँ पर। माता की मूर्ति जो है मिट्टी आप देख पा रहे हो, ये मस्करा गणपति गणपति, इसमें हम दो चार हाड़पक्या गणपति कहते हैं इसको। कुछ ही दिनों में हाड़पक्या गणपति भी बैठा है, आई मीन ये बैठ चुका होगा हाड़पक्या गणपति। यहाँ पर आप देख सकते हो माता की मूर्ति जो है अंकल बना रहे हैं। पिछली बार जो है गणपति बापा जी की मूर्ति बना रहे थे, अभी 15-20 दिन जो है गणपति बापा जी बना रहे थे, अभी माता जी की मूर्ति बनाए जा रहे हैं। अभी जो है माता की मूर्ति बनने यहाँ पर स्टार्ट है। गाइस, कुछ दिन पहले चितारोली के ये थे, अभी दुर्गा माता की तैयारी। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले कुछ ऐसा बनाना पड़ता है तनिष से, एक एक पार्ट जो है तनिष से बनाया जाता है। उसके बाद जो है ऐसे मूर्तियाँ जो है जोड़ जोड़ के बनाई जाती है, उसके बाद जो है मिट्टी लगती है। जो आप देख पा रहे हैं ये है नागपुर की सबसे बड़ी महाकाली, जो कि नवरात्रि के एक दिन पहले जिनका आगमन होता है। तो पिछले साल भी जो हमने इनका वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, आपने अभी तक के नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पर जो है जाकर देख सकते हैं। गाइस, ये सबसे बड़ी मूर्ति है बोलते भैया। गाइस, और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ है अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिट्टी और तनिष को जो है पहले मिक्स किया जाता है यहाँ पर, उसके बाद जो है इनको लगाया जाता है। तनिष और मिट्टी को मिक्स किया जाता है क्योंकि मिट्टी का क्रैक हो गया है मिट्टी पे, तनिष मिट्टी को पकड़ के रखती है, इसलिए मिक्स करके लगाया जाता है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शेर बन के जो है रेडी हो चुका है। कुछ कुछ मूर्तियाँ तो थोड़े बन की जी, ये डबल है हमारे पास, मतलब हाड़पक्या गणपति हमारी आ जाता है, हाड़पक्या गणपति भी बनाए जा रहे हैं। 2 तारीख को इनका जो है आगमन होने वाला है और उनके भैया यहाँ पर राक्षस बना रहे हैं, कई यहाँ पर राक्षस भी बनाया जा रहा है, अच्छी मूर्ति बना लेते हैं यहाँ पर। भैया की शक्ल और राक्षस की शक्ल एक ही लग रही है मेरे को। यहाँ पे अभी तैयारी चालू है और देखो कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति है माता जी की, विशाल और बड़ी बड़ी मूर्ति भी बनाई जा रही है। तनिष लगा कर रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर भी मूर्ति है, यहाँ पे तो कुछ मूर्ति है, यहाँ पे मिट्टी लगाना बाकी है। और फिर उसके बाद हम जो है नागों का गली नंबर 2 में आ चुके हैं और हम आपको चितारोली की सभी गलियाँ जो है घुमाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं कि भाई आप पूरी गली में घुमा नहीं रहे हो क्योंकि माता। तो दोस्तों, इस साइड में बहुत सारे मस्करा गणपति जी बन रहे हैं, यहाँ पे हाड़पक्या गणपति और यहाँ पे देखो कितने सारे माता की मूर्तियाँ बन के रेडी भी हो चुकी है, सिर्फ इसको कलरिंग और शेप देना बाकी है। जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है लकड़ियों का, उसके बाद जो है तनिष से जो है पहाड़ बनाए जाते हैं। हम आ चुके हैं इंडल आर्ट और मूर्तिकार सचिन चौहान, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे बन रही है, यहाँ पर 3-4 यहाँ पर माता की मूर्तियाँ जो है बन रही है, बहुत सारी मूर्तियाँ बन रही है यहाँ पर इस साइड में।
तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही हम नए नए वीडियो देखने वाले, माता के आगमन का, माता के विसर्जन का वीडियो भी देखने वाले।